Hey guys, how are you? My name is Ashwani and I welcome to Ideal Coachings. I hope आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घर पर होंगे और अभी तक बीमारी के संक्रमण में नहीं आए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने 8th क्लास और 7th क्लास 6th क्लास की NCERT ज्योग्राफी को कवर कर लिया है और आज से हम 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसको कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर इससे पहले की वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो पहले उन्हें देख लें, फिर इसको अगर आप कवर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। ये कह रहे हैं कि जो भारत की जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड के अंदर पिछले कुछ 50 सालों के बहुत इसमें विकास देखने को हमें मिला है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चारों ओर से भारत का इसमें एक संपूर्ण विकास हुआ है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी टोटली इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही हद तक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। अगर हम भारत की पोजीशन की बात करें ग्लोब के ऊपर, इंडिया की क्या पोजीशन है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो पोजीशन है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर तक है। यानी अगर हम बात करें कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ये भारत को लगभग 23 डिग्री एंड 30 मिनट पर काटती है। मतलब ये हमारे ये इक्वेटर है और यहाँ पर ये जो ये वाली लाइन है 23.5 डिग्री पर है, ठीक है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। इस ये जो कर्क रेखा है भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। मुख्य भूभाग को दक्षिणी पूर्व में और अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप तथा और द्वीप समूह को अरब सागर में स्थित है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये इंडिया है। इंडिया के अगर हम बात करें ईस्टर्न साइड की, ठीक है, साउथ ईस्टर्न साइड की, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर अंडमान निकोबार समूह है और यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि साउथ की साइड में अगर हम बात करें ईस्टर्न की साइड में तो यहाँ पर हमारे पास दोनों जो द्वीप हैं आइडलैंड्स हैं ये प्रेजेंट है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। चलिए मैं आपको मैप के जरिए से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारा इंडिया है और इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट के अंदर ये इंदिरा कोल प्रेजेंट है। ये जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ये इंदिरा कोल है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आसानी से दिख पाए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, छोटा सा आइलैंड है जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अब बेसिकली 2004 के अंदर एक सुनामी आई थी जिसके कारण ये पूरी तरीके से डूब गया था। अगर हम शेप की बात करें तो जो भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये टोटल एरिया की बात कर रहा है कि जो भारत की ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो टोटल एरिया है भारत का। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल जो टोटल एरिया है उसके क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। वैसे अगर हम देखें तो कितना था, 32.8 लाख जो टोटल क्षेत्रफल है, और अगर हम पूरे विश्व का देख लें उसके हिसाब से 2.4% ही ये हमारे पास टोटल एरिया रहने वाला है। 1.2 जो हमने ये देखी, ये 1.1 है इमेज। अगर हम 1.2 की इमेज की बात करें तो ये वाली इमेज, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो भारत का स्थान कौन सा है, सबसे बढ़िया, सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है वो है रशिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे साउथ अमेरिका, उसके बाद चाइना, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। ओके, दोबारा से रिकॉल करेंगे, रशिया, कनाडा, साउथ अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया।
इस तरीके से करके हम इनको एक श्रेणी श्रेणीबद्ध के हिसाब से लगा सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, राइट। तो ये इसके अंदर कुछ इसके आकार के अकॉर्डिंगली हमने इनको डिवाइड कर लिया। तो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग भी अगर हम इसको रीड करें तो हमारे पास ये 7 कॉन्टिनेंट्स थे। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, एंड लास्ट वन इज़ द अंटार्कटिक। ओके, अंटार्कटिक। तो ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट थे जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। हम इन सब चीज़ों को भी दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन वो हम जब आएगा वो उसमें से तो मैं वो आपको प्रॉपरली समझा दूंगा। जैसा कि 1.2 हमने इमेज में देख लिया कि सबसे जो बड़ा भाग है इंडिया है वो 7th नंबर पर है, ठीक है। इंडिया 7th नंबर पर एरिया के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा भाग है। भारत की जो स्थल सीमा है यानी कि जो लैंड बाउंड्री है वो लगभग 15,200 किलोमीटर की, 15,200 किलोमीटर की है। अगर हम वही कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो ये कितनी रहेगी? 7,516 किलोमीटर की। ये हमारे पास कोस्टल बाउंड्रीज है, ठीक है। इसमें जो समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ साथ ये मतलब कि टोटल एरिया बता रहा है, मतलब अंडमान निकोबार को भी कवर कर लिया और लक्षद्वीप को भी कवर करने के बाद 7,516.6 किलोमीटर टोटल एरिया है। भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, मतलब नॉर्थ जो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट एरिया है भारत का, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा नवीनतम वलित पर्वत, मतलब फोल्डेड माउंटेन्स, जो न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है जिनको हम हिमालयाज बोलते हैं। और इसके दक्षिण भूभाग में उत्तर से चौड़ा है, जो इसका जो साउथ वाला इलाका है वो एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ ये चौड़ा है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। मतलब क्या कि अगर हम देखें इस इमेज को ज़रा दोबारा से देखते हैं, चलिए मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी पढ़ने में तभी मज़ा है जब हमारे पास मैप हो। तो ज़रा इसको देखते हैं क्या था उसके अंदर। हमने पढ़ा था कि जो पहले हमने पढ़ा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हमारे पास क्या है? यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स है, ये वाला जो एरिया मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या है हमारे पास? हिमालय पर्वत है, इधर अरावलीज हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे जैसे हम साउथ की ओर आते हैं, यहाँ से इस पर्वत के अगर हम सेंटर ऑफ रेफरेंस इसको ले लें तो यहाँ से जो आते हैं तो इधर से ये देखो ये चौड़ा है, और जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है तो 22 डिग्री से ये मतलब कि श्रिंक करता जाता है, ये नीचे आते जाते बिल्कुल श्रिंक कर जाता है। तो ये तो था इसका कुछ जो हमने यहाँ से पढ़ा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है ये पढ़ते हैं हम लोग। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। समझ में आ गई चीज़ें ना? कि देखिए पश्चिम में क्या है? पश्चिम वाला ये वाला एरिया वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न में क्या है? अरेबियन सी, और हमारे पास ईस्टर्न साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये चीज़ बताने की इसमें कोशिश कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है, ठीक है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम यहाँ के जो वाइडेस्ट एरिया है इसके वाइडेस्ट एरिया को इसके वाइडेस्ट एरिया से कंपेयर करें तो ये यहाँ का एरिया है ये ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़े, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में जितना समय हो रहा होगा उससे अरुणाचल प्रदेश में समय का अंतर 2 घंटे का है, ठीक है। कि गुजरात और का 2 घंटे पहले है समय और अरुणाचल 2 घंटे लेट चलता है। 80 जो भारत की समय जो मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कितनी है? 82 डिग्री पॉइंट 30 मिनट, ठीक है। कहाँ पर? पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक लाइन कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर है और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। चलते हैं अगले, भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण विस्तार है।
हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोप देशों से पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसको इसको भी मैप से ही समझते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर मैप में देखें कि इंडिया की पोजीशन देखें एज़ कम्पेयर टू द जब हम पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लोब है, ठीक है, इसको जरा समझेंगे। ये रशिया है, इधर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो ये हमारे पास इंडियन ओशन है, ये वाला ओशन, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या है इसके अंदर? पहली बात तो ये कि ये इक्वेटर है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये इक्वेटर में नॉर्दर्न पार्ट में है। नॉर्दर्न पार्ट में भी कहाँ पर? नॉर्दर्न, ये हमारे पास ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की बात है। और दूसरी चीज़ कि ये जो हिंद महासागर है ये क्या करता है, ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है? ये आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, इधर से हमारे पास साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो उनके साथ इंडिया को जोड़ता है। और ये इसको एक सेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करता है, एक केंद्र के रूप में इसे हमें इंडिया की जो पोजीशन है उसको बनाता है। देखिए दक्षिण में का पठार हिंद महासागर में शीर्षवर्त फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ, पूर्व एशिया देशों के साथ भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए गए हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर प्लेट्यूज़ की, तो यहाँ पर हमारे पास पूरे प्लेट्यूज़ देखने को मिलते हैं। और वहीं अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो अरेबियन सी की हेल्प से और ये इंडियन ओशन की हेल्प से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कोस्टल बाउंड्रीज़ है यहाँ पर आसानी से हम व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे अगली लाइन पर। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसी नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो इसी वजह से जो भारत का जो नाम है वो इसी इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है। 1869 के टाइम पर स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ये स्वेज नहर मैप में है कहाँ पर। देखिए इसको ज़रा ध्यान से देखिए। पहले क्या होता था कि इंडिया को अगर समुद्री मार्ग से जाना होता था तो ये इसको पूरा गुड केप ऑफ होप का सहारा लेना पड़ता था इंडिया को, मतलब कि इस रास्ते से जाना पड़ता था, यहाँ से निकलकर ये वाला रास्ता अपनाना पड़ता था, ठीक है, समझ में आई बात। अगर हमें यूके वगैरह, आयरलैंड, जर्मनी ऐसे जैसे कंट्रीज़ में अगर जाना है तो, लेकिन जो ये स्वेज कनाल है ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ठीक है, स्वेज कनाल। अब इसको मेरा मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में ये लगता है। तो ये है आपका इज़राइल, नीचे आ जा थोड़ा सा, ये है इज़राइल, ठीक है, इधर है, और ये है आपका इजिप्ट। तो ये बीच में ये वाली जो जगह है ये आपको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये गल्फ़ ऑफ स्वेज है, ठीक है, स्वेज कनाल की गल्फ है, और ये वाला एरिया, ठीक है। ये जब से ये वाला एरिया पूरी तरीके से खुल गया है तो रास्ता बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो अब क्या है, आसानी से पहुंचा जा सकता है यूरोप में, जो इतना बड़ा चक्कर लगाना पड़ता था वो नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से ना जाने के बजाय हम डायरेक्टली यहाँ पे गल्फ ऑफ सी से निकलते हुए, स्वेज से निकलते हुए यहाँ पे ग्रीस, इटली होते हुए, मतलब कि किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो लगभग 7000 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें कमी देखने को मिली है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो ये कुछ डायग्राम है, अगर हम देखें तो मैप है भारत का, ठीक है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर नीचे साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट तक, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड की बात है। तो ये टोटल कितनी दूरी है, 32014 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर वेस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारे पास लैटिट्यूड लाइन है। ये कितनी है, 2933 किलोमीटर, ये कितनी है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंडिया का मैप है। यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर हमारे पास इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे भारत की ओर, ठीक है। ये मैप के थ्रू इसमें भी थोड़ा समझाया गया है, ये वही वही चीज़ें कि पहले इंडिया को इधर से जाना पड़ता था, ठीक है,
और ये पूरा रास्ता घूम के जाना पड़ता था। लेकिन अब जब से ये जो रेड सी के पास जो स्वेज कनाल है इसका जो ओपन हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 7,000 किलोमीटर का जो रास्ता है वो भी कम हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक हमें इसमें इसका फ़ायदा मिला है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क बहुत पुराना है, लेकिन ये संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा जो भूभाग है, मतलब कि समुद्रों के अलावा जो लैंड का इलाका है वहाँ से ज़्यादा होता था। नॉर्दर्न जो माउंटेन्स हैं उनके जो दर्रे हैं, ठीक है, से अनेक यात्री प्राचीन काल से भारत में आते थे। भारत का पश्चिमी मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो इसका जो मिडिल वेस्टर्न एशिया का पार्ट है उसके साथ हमेशा से संपर्क रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी से हमारे पास जो ट्रेडिंग हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हड़प्पा काल से हम बात करें, उस टाइम पर भी हमें कई ऐसे मोहरे, कई ऐसे सिक्के हमें देखने को मिलते थे जिससे कि ये सिद्ध होता था कि भारत का जो ट्रेड था वो काफ़ी पड़ोसी देशों के साथ काफ़ी अच्छा था। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। तो भारत में सिर्फ यही जो बुक्स की हिस्ट्री ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ कई ऐसी बुक्स थी जैसे रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये भी काफ़ी हद तक हमें हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में बताती थी। जो भारत का ज्योग्राफिकल जो एडवांटेजेस ये थी कि भारत में काफ़ी हद तक अलग अलग प्रकार के मसाले तैयार किए जाते थे, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। कि पुराने टाइम पर भारत का जो टेक्सटाइल मिल था वो काफ़ी हद तक बहुत ही शानदार था। इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा जाता था कि इंडिया के जो आर्किटेक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स का निर्माण करने में सशक्त हैं। तो ये चीज़ें हमें पुराने समय से ही देखने को मिल रही हैं जो भारत की एडवांटेजेस को और ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना एक अच्छा स्थान दिलाता है। ठीक है, पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये बच्चों के लिए हैं तो अभी इसको हम अवॉइड करते हैं। भारत की भूमि की सीमाएँ उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बंगाल के साथ सीमा है, अपनी बाउंड्री है, वो शेयर करते हैं। 1947 से पहले भारत में दो प्रकार के राज्य थे, एक तो प्रांतीय और एक रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों पर शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता पर के आधार पर अंग्रेजी शासकों को प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। मतलब कि 1947 से पहले इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक तो प्रेसिडेंसी सेक्टर था और दूसरा हमारे पास जो रीजनल सेक्टर जिसे बोलते हैं वो सेक्टर था। जो प्रेसिडेंसी सेक्टर था वहाँ पर जो राजा रजवाड़े होते थे वो राज करते थे, और यहाँ पर कोई भी जो वायसराय होता था वो अपना कोई एक ऑफिसर इलेक्टेड कर देता था, एक ऑफिसर यहाँ पर नियुक्त कर देता था जो कि वहाँ पर अपना राज चलाया करता था। अगर हम पड़ोसी मुल्कों की बात करें, अपने जो बाउंड जो हमारे पास जितने भी हमारे पास नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान से सीमा साझा लगती है, बाउंड्री शेयर करते हैं हम। थोड़ी सी बाउंड्री हम अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करते हैं। वहीं चीन, तिब्बत जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर हमारा नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, इधर भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, और यहाँ पर म्यांमार। तो इन कंट्रीज़ के साथ हम जो सीमा है वो अपनी शेयर करते हैं, बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं। वहीं इधर श्रीलंका भी एक अच्छा पार्टनर है हमारा, जो कि सीमा हम लोग जिनसे साझा करते हैं। दक्षिण में समुद्र के पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। ठीक है, अभी देखिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इतनी ही इंडिया की बाउंड्री नहीं है,
इंडिया की बाउंड्रीज ये समुद्रों में भी है, तो यहाँ की भी बाउंड्री के अकॉर्डिंग हम मालदीव भी हमारा एक नेबरर कंट्री बन जाता है और श्रीलंका भी। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है, ठीक है, पाक स्ट्रेट के नाम से जिसको जानते हैं। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये पतला रास्ता जिसको हम कहते हैं, कथाओं में मिलता है, रामायण की कथाओं में मिलता है कि राम जी ने इसे बनवाया था, तो ये जो वाला रास्ता है ना, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव सॉरी, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता सॉरी छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत ही अच्छा रहा है। अपने एटलस में ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा जो नेबरर के साथ जैसा भी रिलेशन है वो पुराने टाइम से हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो शेयर कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। थैंक यू।